सोनभद्र के सर्वेश्वरी आश्रम के पास म्योरपुर पुलिस यूपी एसटीएफ ने तीन अंतरजनपदीय गांजा तस्करों को सोमवार रात 8:30 के करीब एक बल्कर ट्रक नंबर सीजी 15DP 8854 के केविन में प्लास्टिक की 8 बोरियों में 81 पैकेट में 178 किलो 940 ग्राम अवैध गांजा संग गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 20 लाख बताई जा रही है। पुलिस विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। देखिए, नारकोटिक के खिलाफ, नारकोटिक सब्सटेंसेस के खिलाफ डायरेक्टली अभियान डीजी मुख्यालय से लगातार चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने और जनपद सोनभद्र में म्योरपुर पुलिस की टीम ने एक गैंग को पकड़ा है, जिसमें 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एक इसमें तासीर अंसारी है, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, और एक आदमी इसमें बुलंदशहर जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और एक गाज़ियाबाद का रहने वाला है। 3 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिनके पास से लगभग 178 किलो किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख रुपया है। इनके द्वारा बताया गया है कि इससे पहले भी ये लोग उड़ीसा से गांजे को ले जाके और गाज़ियाबाद में सप्लाई कर चुके हैं एक जयसवाल नाम के आदमी को। उसी ने इनसे दोबारा इनको 10-10 हज़ार का लालच दिए कि 10 हज़ार रुपया चक्कर हम आपको देंगे, गांजे की सप्लाई गाज़ियाबाद में मंगाई थी। बीच में ट्रांजिट रूट इसका सोनभद्र से था, जहाँ पर पुलिस ने इनको पकड़ा है। और जो मेन इसमें मुख्य साजिश करता है, जिसके द्वारा इस कारोबार को संचालित किया जा रहा है, उसको भी हमने इसमें पांचित किया है। सर, बताया जा रहा है कि किसी सियासत कर्मी की ये गाड़ी है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वो सब जांच में आएगा। अभी एक बल्कर ट्रक है, बड़ा ट्रक है, जो केमिकल सप्लाई के लिए बड़ी फैक्ट्रीज में यूज होता है। उसके पीछे, उसके और बॉडी के बीच में जो स्थान होता है, उसमें इन्होंने केबिन, गुप्त केबिन बना रखा है, जिसमें गांजा इन्होंने मादक पदार्थ छुपाया है। कितने आरोपी सर गिरफ्तार किए गए? 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, और एक को पुलिस ने भी इसमें, जो मुख्य आदमी है, उसको वांछित किया है, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे, गाज़ियाबाद का रहने वाला है। सर, जो लोग पकड़े गए हैं, उसमें किसी का बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड? आपराधिक रिकॉर्ड इनका बिल्कुल मिलेगा, अभी तो पुलिस को नहीं मिल पाया है, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी ये लोग उड़ीसा से इस तरीके से गांजा लाए हैं, तो अन्य जनपदों में कहीं ना कहीं इनका गाज़ियाबाद से भी, बुलंदशहर से भी और छत्तीसगढ़ से रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इनके विरुद्ध अन्य मुकदमे होंगे, तो फिर इनके खिलाफ एक गैंग चार्ट भी तैयार करके गैंगस्टर का भी पंजीकृत कराया जाएगा। गैंग सर पहली बार पकड़ा गया है, पूर्व में भी इस तरह का गैंग? नहीं, हमारे जनपद में ये पहली बार पकड़ा गया है।